हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि हम इससे प्रीवियस वीडियो में जो है आई विधि के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, मे बी आपको जो है दोनों के दोनों मेथड जो है उत्पाद विधि और आय विधि के न्यूमेरिकल अच्छे से आ गए होंगे। आप जो है अपनी बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, उन दोनों मेथड के अंदर आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज हम जो करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज के अंदर, वो करने वाले हैं आपके नेशनल इनकम का जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड, और जिसका नाम है व्यय विधि। गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके एग्जाम में वो सभी बच्चे जिनका जो है 2020 में बोर्ड एग्जाम में आय विधि और व्यय विधि, गाइज इस विधि के ऊपर आपका क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है 6 नंबर का, ठीक है। तो उत्पाद विधि में आपको बता ही चुका हूँ, आय विधि भी आपको बता चुका हूँ, आज हमारा ये लास्ट मेथड है व्यय विधि। व्यय विधि क्या है, इससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पर आते हैं कि भैया व्यय विधि क्या होती है। कह रहा है इस विधि के अनुसार, इसका नाम है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर उसका नाम था आय विधि, वहां पे बात चल रही थी इनकम की, और यहाँ पे किसकी बात चलेगी, यहाँ पर बात चलेगी व्यय की, पैसों की, ठीक है। तो कह रहा है इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। क्या बोला गाइस इसने, कह रहा है इस विधि के अनुसार क्या होता है, एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने के लिए हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं ना गाइस, उसको कह रहा है उसके रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, क्योंकि अंतिम व्यय में उपभोग तथा निवेश शामिल होते हैं, इसलिए इसे अंतिम उपभोग तथा निवेश विधि या आय विन्यास विधि भी कहते हैं। गाइज, आपको जो है इसके नाम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपका जो है ये वाला नाम भी लिखकर आ सकता है। पता चला फिर आप कंफ्यूज होगा कि ये कौन सा मेथड आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने आय विधि में भी आपको 2 नाम बताए थे, वो भी आपको याद रखने हैं, और व्यय विधि में भी मैं आपको 2 नाम बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो गाइज, अब ये यहाँ पे बात कर रहा है अंतिम व्यय की। गाइज, ये अंतिम व्यय जो है क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो अंतिम व्यय है ना, ये जो अंतिम व्यय है ये कितने तरीके का होता है। गाइस, अंतिम व्यय जो है, अंतिम व्यय का जो वर्गीकरण है हम 4 उसमें कर सकते हैं। एक होता है गाइस निजी अंतिम उपभोग व्यय, एक होता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, एक होता है निवेश व्यय, और एक होता है शुद्ध निर्यात, ठीक है। अंतिम व्यय का वर्गीकरण हम 4 उसमें कर सकते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, कोई लेना देना नहीं है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, कोई लेना देना नहीं है। आपको जो लेना देना है, शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है, निर्यात माइनस आयात, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। गाइस, इसके अंदर जो सारा का सारा फंडा है ना, वो है ये निवेश व्यय का। गाइस, ये निवेश व्यय अगर आपको पता चल गया क्या है और कैसे निकलता है, तो आपको व्यय विधि के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो ये निवेश व्यय क्या है, कैसे इससे जो है हम निकालेंगे, देखिए, निवेश व्यय को सबसे पहले तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब निवेश व्यय अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है गाइस, मतलब अगर आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण अगर आपको गाइस ये डायरेक्ट दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। निवेश व्यय नहीं लिखा होगा, मोस्टली आप इसको जो है सकल घरेलू पूंजी निर्माण ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण सीधा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर गाइस, लेकिन किस्मत आपकी इतनी अच्छी है नहीं कि अगर आपको वो सीधा देगा, ठीक है, तो गाइस वो आपके साथ क्या करता है, चालबाजी करता है। वो आपको क्या करेगा, हमें जो फॉर्मूले में जरूरत है वो सकल घरेलू पूंजी निर्माण की है, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, सकल नहीं देगा आपको, वो यहाँ पर दे देगा शुद्ध। क्या दे देगा, शुद्ध या निवल लिखा होगा यहाँ पर। तो गाइस, जब वो आपको, हमें जरूरत है सकल की और उसने दे दिया शुद्ध, तो हम क्या करेंगे गाइस, उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, तो वो सकल में बदल जाएगा, क्योंकि भैया ग्रॉस के फॉर्मूले में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और उसने नेट दे रखा है तो मेरे को डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ना पड़ेगा उसको सकल में बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो उसकी पहली चाल। अब मान लीजिए उसने सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया ही नहीं, ना ही उसने निवल दिया। अब उसने गाइस क्या दिया, गाइस ये 2 तरीके का कह सकते हो, एक होता है स्थायी निवेश और एक होता है माल सूची निवेश, ठीक है। गाइस, अगर वो आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं देता
तो आपको वो क्या देगा, फिर वो आपको ये देगा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। क्या देगा? सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। इसके गाइस यहाँ पे लिखा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण और यहाँ बीच में एक वर्ड है स्थायी, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है गाइस। ये है सकल घरेलू पूंजी निर्माण और ये सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। गाइस अगर उसने आपको ये नहीं दिया होगा तो उसने आपको ये दोनों कॉम्पोनेंट दे रखे होंगे, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और यह माल सूची निवेश। माल सूची निवेश का मतलब स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो गाइस अगर आपको ये निकालना है और ये दोनों चीजें दे रखी है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है गाइस आ जाएगा। ठीक है, ये तो था दूसरे बात। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत है गाइस, मुझे यहाँ पे जरूरत है सकल की, लेकिन हमको यहाँ भी आपके साथ चालबाजी कर देगा, वो यहाँ पर भी आपको क्या दे देगा, यहाँ पर भी आपको दे देगा शुद्ध, और मुझे कौन सा चाहिए सकल, तो मुझे पहले इसको सकल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे फिर से डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा तो ये सकल में बदल जाएगा और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़कर मेरा ये निकल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि सकल दे रखा है या शुद्ध दे रखा है। अगर सकल दे रखा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, शुद्ध दे रखा है तो अच्छी बात नहीं है। शुद्ध दे रखा है तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है या सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दे रखा है तो इसके साथ मुझे स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है मेरा ये निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर किस्मत आपकी और भी खराब हुई तो वो क्या करता है गाइस, फिर वो आपको ये भी नहीं देगा, फिर वो आपको सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण भी नहीं देगा, फिर वो आपको गाइस ये चार कंपोनेंट देगा, क्या क्या, व्यावसायिक स्थायी निवेश, परिवार द्वारा रिहायशी मकानों पर परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश और सार्वजनिक स्थायी निवेश। तो गाइस अगर आपको उसने ये भी नहीं दे रखा है तो आप इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ सकते हो। ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा और ये तो निकल ही जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर स्टॉक में परिवर्तन सीधा नहीं दे रखा तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करके स्टॉक में परिवर्तन निकल जाएगा और इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ के ये निकल जाएगा और इन दोनों को जोड़कर ये निकलेगा। गाइस यहाँ पर जो सारा का सारा खेल है वो है निवेश व्यय का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर गाइस हमारे पास जो टूल है वो है जीडीपी एट एमपी। जैसे कि मैं आपको सभी में बता चुका हूँ कि भाई उत्पाद विधि में क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। आय विधि में क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। व्यय विधि में क्या निकालेंगे गाइस, व्यय विधि में गाइस हमारे पास जो हथकंडा है, जो टूल है हमारे पास, वो है जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलता है गाइस, ये निकलता है गाइस अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण और प्लस शुद्ध निर्यात, ये गाइस निकलता है ऐसे। ठीक है, ये अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय में गाइस दो चीजें आती हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, तो अगर आपको ये सीधा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अंतिम उपभोग व्यय नहीं दे रखा तो गाइस इन दोनों को जोड़कर आपका अंतिम उपभोग व्यय निकल जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण डिस्कशन कर चुके हैं अभी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और शुद्ध निर्यात वो आ गया ये। ठीक है, तो मतलब ये जो इसका मोटा मोटा है, हमें तीन कंपोनेंट चाहिए होते हैं इसके अंदर भी, अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। ठीक है, तो अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ये दोनों दे रखे होंगे। ठीक है, इसके लिए दे रखा है सीधा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर और फिर तीसरा ये है, तीनों को जोड़ेंगे तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा और उसने जो भी निकालने के लिए बोला है वो हम जो है यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर ये आपको बात समझ में आ गई है तो भैया फटाफट से अपना सपोर्टिंग मटेरियल निकाल लीजिए, जिसको आप धूल मिट्टी लगा रहे हो अपने स्कूल से जो मिला है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन तो आपने ट्राई करे नहीं होंगे, इतना तो मेरे को पूरा भरोसा है, मैंने जो करा दिए तो ठीक है, वरना तुम तो अपना कुछ ना करने के। अब देखो गाइस, आपके सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर जो है दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें गाइस ये आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्न से घरेलू आय
और कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना करें। गाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल एग्जाम में जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मजदूरी तथा वेतन निकालिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालिए, और जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, उनसे इसका आंसर नहीं निकलता है। तो गाइज मैंने आपको जो कल आयुर्वेदिक का बताया था क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें वह विधि का जो है कुछ पार्ट दे रखा है, जिसकी वजह से हम इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो आज जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और गाइज इस थीम का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व कीजिए। तो ये गाइज क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसने पूछा है, एक तो घरेलू आय भी निकालनी है प्लस कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी आपको निकालना है। तो पहले तो देखो इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको गाइज इसके अंदर दिया हुआ है विदेशों से निवल कारक आय, विदेशों से शुद्ध कारक आय आपको दे रखी है गाइज इसने। साथ के साथ देखो आपको इसने क्या क्या दे रखा है, इसने आपको दे रखा है गाइज शुद्ध निर्यात दे रखा है, निवल अप्रत्यक्ष कर, किराया रॉयल्टी, स्थिर पूंजी का उपभोग, निजी अंतिम उपभोग व निगम कर ब्याज, निवल घरेलू पूंजी निर्माण, लाभांश, सरकारी अंतिम उपभोग व अवितरित लाभ और मिश्रित आय, ये इसमें गाइज आपको दे रखी है। तो गाइज सबसे पहले तो इसने क्या बोला है, सबसे पहले इसने बोला घरेलू आय निकालो, तो मतलब गाइज हमें जो है मतलब इसके अंदर निजी आय विधि और व्यय विधि दोनों के कंपोनेंट है, तो पहले पार्ट में तो हमें क्या निकालना है गाइज जीडीपी एट एमपी, क्या निकालना है जीडीपी एट एमपी, ये आपको निकालना है गाइज, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी मैंने आपको क्या बताया व्यय विधि में कैसे निकलेगा अंतिम उपभोग व्यय, तो वो तो मुझे नहीं दे रखा, तो अंतिम उपभोग व्यय अगर नहीं दे रखा हो तो मैं क्या करूंगा निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इन दोनों को क्या कर दूंगा गाइज मैं जोड़ दूंगा, 400 और 100 कितना हो जाएगा 500, तो भाई 400 प्लस 100 तो ये हो गया 500, तो ये हो गया निजी अंतिम उपभोग व्यय। प्लस अब दूसरा कंपोनेंट गाइज जितना टाइम आप इस पे वेस्ट करना चाहते हो आप इस पे करिए, आपको चाहिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो पहले देखिए इसने आपको क्या दे रखा है गाइज, इसने आपको दे रखा है निवल घरेलू पूंजी निर्माण, कितना दे रखा है वो भी दे रखा है आपको इसने 50, ठीक है, निवल घरेलू पूंजी निर्माण कितना दे रखा है 50 दे रखा है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, मुझे तो सकल चाहिए, और इसने कौन सा दे रखा है, इसने दे रखा है शुद्ध, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर स्थिर पूंजी का उपभोग कितना है डेप्रिसिएशन, मुझे इसके अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ना है, मतलब 50 प्लस 10, तो ये हो गया 50 प्लस 10, ठीक है जी, ये हो गया आपका निजी अंतिम उपभोग व सकल घरेलू पूंजी निर्माण और प्लस शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात देख लीजिए कितना दे रखा है, शुद्ध निर्यात इसने दे रखा है गाइज आपको 10, तो भैया यहाँ पर पुट कर दीजिए 10, तो ये कितना हो गया गाइज आपका 500 प्लस ये हो गया आपका 60 प्लस 10 70 हो गया, ये तो ये आ गया गाइज आपका 570, ठीक है, क्या आ गया 570 जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, तो मेरा आ गया जीडीपी एट एमपी, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनडीपी एट एफसी, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई घरेलू आय निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा एनडीपी एट एफसी के मुझे ये चाहिए और मेरे पास जीडीपी एट एमपी है, ठीक है, तो मुझे चाहिए नेट, नेट का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस माइनस डेथ, डीपी डीपी ठीक है, एफसी एफसी का फॉर्मूला क्या होता है जी एमपी माइनस एनआईटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 570 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 10 और एनआईटी कितना दे रखा है 50, ठीक है, तो भाई ये आ गया आपका 60, यहां से डिडक्ट कर दीजिए 510 आ गया ये आपका पहले वाले का, एक तो इसमें घरेलू आय निकालनी थी। अब दूसरा इसने क्या बोला है कि कर्मचारी का पारिश्रमिक निकालो, अब मुझे ये पता है कि भाई एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आय विधि का, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष और प्लस मिश्रित आय। अब गाइज बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, ये मैंने कितना निकाल लिया है 510 इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये मुझे निकालना है और प्लस प्रचालन अधिशेष। अब देखो गाइस आपको क्या करना है,
प्रचालन अधिशेष यहाँ पे सीधा तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या क्या करते हैं, किराया, लगान, जिस रॉयल्टी कितना दे रखा है 20। तो गाइस सबसे पहले तो 20 किराया और रॉयल्टी, ठीक है, लगान भी कहते हैं इसे, प्लस ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है 30, तो ये हो गया प्लस 30 किराया, ब्याज, लाभ। अब गाइस यहाँ पे आपको लाभ नहीं दे रखा, लेकिन आपको क्या क्या दे रखा है, निगम कर, लाभांश और आवित्रित लाभ, ये तीनों को जोड़ देंगे। मैंने आपको कल बताया था कि भाई अगर लाभ आपको सीधा ना दे रखा हो तो ये चीजें दे रखी होगी, 10, 10, 22 और 5, 10, 22 और 5, ये तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हो गया लाभ। तो ये पूरा क्या आ गया, प्रचालन अधिशेष, और प्लस इस क्वेश्चन में गाइस आपको मिश्रित आय भी दे रखी है, वो है जी 23, ये हो गया जी। अब ये कितना हो गया जी, 510 इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये तो ऐसे रहेगा, प्लस इसको जोड़ लीजिए जी, ये हो गया आपका 50, 60, 60, 65, 65 और 22, 7, 8, ये हो गया गाइज आपका 87 प्लस 23, तो 510 इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये हो गया आपका 90, 110, ये हो गया 510 माइनस 110 इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक, और ये कितना हो गया 400 आ गया आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक आंसर, ठीक है जी। एक बार चेक कर लीजिए ये हरकत आपने सही करी है नहीं करी है, ठीक है जी, दोनों हरकत सही करी है मैंने, 510 और 400। तो गाइज इस थीम पे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है आपका, इस विधि से आपका इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालो, मजदूरी तथा वेतन निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे जी निम्न आंकड़ों द्वारा आय विधि और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो इसमें आपको राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोला है, तो भाई इसने मतलब क्या पूछा है आपसे, एनएनपी एट एफसी, ये इसने निकालने के लिए पूछा है गाइस आपसे, ठीक है। तो भैया मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं तो निकालूंगा जीडीपी एट एमबी, मैं तो ये निकालूंगा कि निजी अंतिम उपभोग है, सरकारी अंतिम उपभोग है, देखो अंतिम उपभोग है तो दे नहीं रखा है इसने, तो निजी अंतिम उपभोग है प्लस सरकारी अंतिम उपभोग है, 800 और 100 कितना हो जाएगा 900, 800 प्लस 100, ये हो गया आपका अंतिम उपभोग है, प्लस अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए जी सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो अब देखो, अच्छा अब गाइस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब देखो इसने आपको क्या दे रखा है, इनने आपको दिया निवल पूंजी निर्माण और प्लस सकल पूंजी निर्माण, यहाँ पर आपको गाइस दो दो चीजें दे रखी है, ठीक है, तो भैया हम कौन सा लेंगे, सकल लेंगे या शुद्ध लेंगे, तो गाइज इसमें आपको क्या करना है, अभी इसमें गाइज इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, अभी इसमें तो आप सकल ही ले लीजिए, सकल पूंजी निर्माण ले लीजिए, सकल पूंजी निर्माण आपको कितना दे रखा है 120 दे रखा है, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर 120 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा तो अंतिम उपभोग है प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण और प्लस शुद्ध निर्यात, अब शुद्ध निर्यात कितना दे रखा है, वो दे रखा है इसने आपको 70, तो भैया यहाँ पर हो गया 70, 900 प्लस ये हो गया 190 और ये हो गया आपका 1090, ये हो गया मेरा जीडीपी एट एमपी, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनएनपी एट एफसी, ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास जीडीपी एट एमपी है, मुझे नेट चाहिए और ग्रॉस, तो क्या होगा माइनस डेप्रिसिएशन एनपी डीपी प्लस एनएफआईए, ठीक है, हाँ डीपी और एफसी का हो गया माइनस एनआईटी, ठीक है, तो भैया यहाँ देखो ये हो गया 1090 माइनस डेप, अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है, ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन जो है कैसे डिडक्ट होगा गाइज, इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं गिवन है, ठीक है, तो देखो सरकारी अंतिम उपभोग निवल सकल कहीं भी आपको डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं भी लगान रॉयल्टी आर्थिक सहायता को प्रत्यक्ष लाभ, तो अब आपको क्या करना है, लेकिन गाइज आप यहाँ पर देखो इसने यहाँ पे क्या देखा है, सकल कितना दे रखा है 120 और निवल कितना दे रखा है 110,
तो मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखो सकल में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और निवल में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो गाइज मुझे यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो 10 है जो भी है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 10 प्लस NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब मुझे कौन सी दे रखी है इसने, विदेशों को वाली दे रखी है, और विदेशों को वाली कितनी दे रखी है 30, और को वाली क्या करते हैं माइनस, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस का 30 और माइनस NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब वो भी इसने क्या दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर 60, आर्थिक सहायता 10, तो 60 माइनस 10 ये भी हो गया आपका 50। तो भैया 1090 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 50, तो ये हो गया 90 और आपका आंसर आ गया 1000। ठीक है, एक बारी चेक कर लीजिए, हरकत आपने सही करी है। ठीक है जी, हरकत बिल्कुल सही करी है आपने, 1000 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये इसके 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे आपके इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको इसमें करा दिए, जिसमें कर्मचारी का पारिश्रमिक मजदूरी तथा वेतन, ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसको करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना होता हो तो भैया अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड ना करिए, ठीक है, क्योंकि आप मुझे सेंड कर रहे हो और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर आप ये मुझे ही सुना रहे हो, जो क्वेश्चन करा था अभी तक तो भेजा नहीं, तो भैया अभी मैं आपसे उस चीज के लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई कंपोनेंट समझ ना आ रहा हो, क्यों प्लस हुआ क्यों माइनस हुआ, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।